Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, देखिए जब फीमेल प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है और काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, तो इस कंडीशन में काफ़ी क्वेश्चंस महिलाओं के माइंड में आते हैं, काफ़ी डाउट्स रहते हैं. कई बार तो पीरियड से पहले उन्हें प्रेगनेंसी की तरह लक्षण दिखते हैं, बट जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आता है. कई बार पीरियड भी मिस हो जाता है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है. तो ऐसा महिलाओं के साथ क्यों होता है? देखिए गाइस, कई बार वन ऑफ दी बहुत बड़ा रीज़न है कि कई बार महिलाओं का अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, जो 4 से लेकर 5 हफ्तों के बीच में होता है. जो महिलाओं की प्रेगनेंसी काउंट होती है वो पीरियड के पहले दिन से काउंट होती है. अगर आपका पीरियड डेट मिस हो गया है, यानी आपकी प्रेगनेंसी को 4 हफ्ते हो गए हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो 4 से लेकर 5 हफ्तों के बीच में अगर आपको प्रेगनेंसी लॉस हुआ है अर्ली फेज में, तो क्या आपकी बॉडी में लक्षण दिखाई दे सकते हैं? कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी के लक्षण आपको फील हुए वो फॉल्स है, या आपका प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, या पीरियड आने के लक्षण थे, या क्यों आपकी बॉडी में ये लक्षण दिखाई दिए थे? देखिए गाइस, कई बार पीरियड आने से पहले भी आपको सिमिलर लक्षण होते हैं जो बिल्कुल प्रेगनेंसी की तरह होते हैं, और कई बार प्रेगनेंसी लॉस में भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं. बट क्या, कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के लक्षण भी आपको 3रे हफ्ते से ही दिखना शुरू होते हैं, जिनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे महिलाएं जान पाती हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है. सिर्फ प्रेडिक्शन होता है, 100% कंफर्मेशन तो तभी आपको मिलती है जब आपका UPD पॉजिटिव आता है या अल्ट्रासाउंड में आप बच्चे की हार्ट बीट सुन लेते हैं. बट कई बार प्रेगनेंसी होती है फिर फेल हो जाती है, यानी प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है 4 से लेकर 5 हफ्तों में. तो इसमें क्या आपको नोटिस करना है, क्या लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई दे सकते हैं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है. अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, तो उसका आप केयर कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर नेक्स्ट मंथ आपको कोई भी ऐसी परेशानी ना हो और सक्सेसफुली आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए. देखिए गाइस, अगर आपको 4 से लेकर 5 हफ्तों के बीच में कमर में ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि कमर में पेन होना पीरियड आने का भी साइन है, प्रेगनेंसी का भी साइन है, और अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का भी साइन है. अगर आपको कमर में हल्का दर्द है और आपके पीरियड आ जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके पीरियड आने का साइन था. अगर आपको हल्का दर्द हो रहा है, आपका पीरियड डेट मिस हो गया है, और उसके 1 हफ्ते के बाद आप UPT कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव दिखता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा. पर अगर आपका UPT भी नेगेटिव आ रहा है और आपका पीरियड भी नहीं आ रहा है, पीरियड भी मिस हो गया है, तो इस कंडीशन में आपको समझना चाहिए अगर आपका कमर दर्द सीवियर हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपके प्रेगनेंसी लॉस का साइन हो सकता है. बट एक सिम्टम में आप रिलाय नहीं कर सकते हैं कि आपका प्रेगनेंसी लॉस ही हुआ होगा. कई बार आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण आपको पहले तो फील होते हैं, अच्छी तरह विजिबल होते हैं, दिखने लगते हैं, और आपको लगने लगता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, और आपका पीरियड भी मिस हो जाता है. उसके बाद आप देखते हैं ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी के लक्षण है वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है. तो ये भी आपकी बॉडी आपको साइन देती है कि आपका अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हुआ हो सकता है. इसके साथ गाइस, जब महिलाओं का अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होता है और महिलाओं को पीरियड्स आ जाती हैं, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे आपको वीकनेस ज़्यादा हो रही है, या आपके ज़्यादा क्लॉट्स निकल रहे हैं ब्लड के साथ. पीरियड के दौरान भी आपको वीकनेस हो रही है, पीरियड ख़त्म होने के बाद भी आपको वीकनेस हो रही है, और कई बार जो पीरियड के डेज होते हैं, ब्लीडिंग डेज, वो नॉर्मली 5 to 7 days होते हैं. अगर आपका अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हुआ है तो वो दिन बढ़ भी सकते हैं, 8 से लेकर 10 दिन भी हो सकते हैं, जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे तो आपकी बॉडी में लक्षण दिखे थे, तो ये आपके अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का ही साइन है. साथ अगर आपको लोअर एब्डोमिनल एरिया में मेनली नाभि के नीचे ज़्यादा क्रैम्पिंग हो रही है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐठन जैसी फीलिंग ज़्यादा हो रही है, और वो फीलिंग स्प्रेड होकर आपके हिप्स में भी होने लगी है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है. इसके अलावा
जब महिलाओं का अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होता है तो महिलाओं के मुंह में ड्राइनेस, सूखेपन की दिक्कत ज़्यादा होने लगती है। बार बार ऐसा फील होता है कि आपके मुंह में सूख जा रहा है, आप पानी पी रहे हैं उसके बाद भी सूखेपन की, ड्राइनेस की दिक्कत मुंह में आपको ज़्यादा फील होने लगेगी। इसके साथ अगर आपको पीरियड ब्लीडिंग शेड हो रही है और उसके साथ लूज मोशन भी लग गए हैं जिसकी वजह से वीकनेस भी आपको ज़्यादा हो रही है, डिजीनेस ज़्यादा हो रही है, चक्कर आने जैसा फील हो रहा है जो आपको पहले बिल्कुल भी नहीं होता था, तो ये साइन आपकी बॉडी देती है आपको कि आपका अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हुआ हो सकता है। इसके साथ अगर आप पीरियड ब्लड कलर को भी नोटिस करें, कई बार अर्ली प्रेगनेंसी लॉस में जो पीरियड का कलर होता है या तो वो डार्क ब्राउन या आपका कॉफ़ी कलर में आप रिजेंबल कर सकते हैं। अगर इस तरीके के साइन आपको दिख रहे हैं, दो से ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हुआ हो सकता है। अगर ये आपके साथ साथ बार बार हो रहा है तो आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। अगर हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो इन लक्षणों को जान के आप प्रेगनेंसी की जो केयर होती है वो सब चीज़ें कर लेनी चाहिए ताकि आगे चलकर आपको ये दिक्कत ना आए और आप हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करके 9 महीने के बाद हेल्दी बेबी को भी बॉर्न कर पाएँ। एंड यही है आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।